अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को रूहानी अमलियात एंड वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम की ज़ात आप सबको खैर वाफ़ियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक दिन का शीशे पे हाजरात करने के लिए, जो कि हर किस्म के सवाल और जवाबात और अपने मसाइल के हल पूछने के लिए बिल्कुल छोटा सा और बहुत आसान सा अमल लेकर पेश हुआ हूँ, जो कि हवतीन हज़रात के लिए बहुत मुजर्रब और ताकतवर अमल है। अमल के तरीक़ेकार की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से मोहब्बत भरी इल्तमास है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल रूहानी अमलियात एंड वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएँ। साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक जल्द अज जल्द और बसानी पहुँच सके और आप हमारे अमलियात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया दोस्तों, चलते हैं अमल के तरीक़ेकार की जानिब। दोस्तों, ये हाजरात अरवाह का एक अजीम अमल है। अमूल के बगैर हाजरात का नजूल होता है। हाजरात का तरीका यह है कि जो भी शख्स हाजरात करना चाहता हो, एतवार यानी संडे के दिन वो रोज़ा रखे और रोज़े की हालत में बाजार से 1 फुट या 1.5 फुट का एक आईना ले और 50-50 ग्राम कसबरा और लुबान पंसार स्टोर से लेकर आए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 50-50 ग्राम कसबरा और लुबान पंसार स्टोर से लेकर आने। अपने जिस्म पे अतर वगैरह लगाकर बावजू होकर पाक साफ जगह पे तन्हाई में बैठ जाए और ब्लैक मार्कर से इस शीशे की बैक साइड पे स्क्रीन पे नज़र आने वाला नक्श बनाए। नक्श बनाने के बाद कसबरा और लुबान की 10 मिनट तक शीशे को धोनी देनी है। बस ये तिलिस्माती आईना फिर तैयार है। तो जब भी अरवाह को हाजिर करना हो तो तन्हाई में इस आईने पे नज़र जमा कर टिक टिकी बांध कर देखता रहे और दिल में अपना मकसद रखे कि किस काम के लिए अरवाह को बुला रहा हूँ। जो भी रूह हाजिर होगी, इसकी धुंधली सी तस्वीर आईने में जाहिर होगी। जब तस्वीर जाहिर हो तो इसी वक्त इस रूह को अदब से सलाम करे और फिर इससे अपने सवालों जवाब करें, अपने मसाइल का हल पूछें। इंशाल्लाह ताला 100% दुरुस्त जवाब मिलेगा आपको और बिल्कुल ठीक आपके मसले का हल भी बता दिया जाएगा। बिला वजह फजूल में हाजरात करके उल्टे सीधे सवालात करने से परहेज किया जाए। गंदे या घटिया किस्म के सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपने गंदे या घटिया किस्म के सवाल जवाब से परहेज नहीं किया तो दोबारा अरवाह हाजिर नहीं होगी। ये अमल उस्ताद मोहतरम साहब की तरफ से हम सब के लिए एक अजीम तोहफा है। उम्मीद है आप साहब इसकी तोहफे की कदर करेंगे। इस अमल की इजाज़त सिर्फ इसे होगी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर होगा। जो भी करना चाहे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, इसे इजाज़त है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अमल। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो ने अमल वजीफा के साथ। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगेबान।